हेलो एवरीबाडी वेलकम टू दिस इंग्लिश सेक्शन ऑफ पी एस पी सी एल प्रीवियस ईयर एग्जाम आई एम पियूष सरदाना ए बड़ी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर सो आई एम को नाट डिस्कस दिस सेक्शन विद यू आउट राइट सो चेक करें जरा क्वेश्चन को न वॉट इज इज इन दिस डैश ब्रिटिश आर मोस्ट वोरेशियस रीडर्स इन वर्ल्ड हंगरी इज कॉल्ड वोरेशियस राइट सो कहता है मोस्ट वोरेशियस है वो तो मोस्ट इज समथिंग डिग्री तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो दें वर्ल्ड भी एक यूनाइटेड किंगडम है पूरा तो यहां पर भी द लग गया और ब्रिटिश के साथ आर लगा ही अबाउट द क्लास ओवर तो वहां पर भी दर लगा इट शुड बी द ब्रिटिश आर द मोस्ट वोरेशियस रीडर्स इन द वर्ल्ड नेक्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन दैट गिव दैट इज द पैसिव वॉइस ऑफ अ सर्टेन गिवन सेंटेंस पोस्ट दिस लेटर अब देखो ये इनको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं सो so, ये ऑर्डर के तौर पे काम आएगा सो इट शुड बी लेट दिस लेटर बी पोस्टेड लेट दिस लेटर बी पोस्ट लेट दिस लेटर बी पोस्टेड लेट द लेटर और दिस इट शुड बी दिस आंसर इज बी नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन द फोर ऑप्शंस बिलो पूजा इज गोइंग टू डैश दिस मदरलेस चाइल्ड नाउ टू लगा है तो टू के साथ फॉलो होने वाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा एडॉप्टेड सोर्स फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको प्लूरल फॉर्म भी बोला जाता है तो इट शुड बी अडॉप्ट राइट द आंसर इज सी यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस इज द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच आकाश सेट गुड नाइट पायल विल मीट अगेन टूमोरो आकाश बेट गुड नाइट टू पायल एंड सेट दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे गुड नाइट टू पायल एंड रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट का तो कोई रूल नहीं है आकाश फिर से क्या बेट गुड नाइट टू तो पायल एंड सेड दैट तो बिल्कुल नहीं होगा सो विल गो विद ऑप्शन ए राइट सो दिस इज थ्री ऑफकोर्स एंड दिस वन इज फोर आकाश बेट गुड नाइट टू तो पायल एंड सेट दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे सो मूविंग ऑन फर्दर यू हैव टू अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन दिस इज द डैश हॉर्स दैट डैश सेम हॉर्स ठीक है सेम हॉर्स दैट नो दन नो वन नहीं लगेगा बिकॉज हॉर्स ऑलरेडी गिवन है दिस इज द वन होता चल जाता दैट नहीं लगेगा बिकॉज द गिवन है दैट हॉर्स या द हॉर्स तो पहली बार तो सेम आएगा और साथ में आई वॉन्टेड आ जाएगा आंसर इज बी बॉय अनियन प्राइजेस आर मेकिंग अनियंस रन आउट रन आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना राइट सो इट कम्स आउट टू बी रन आउट प्रकाश विल डैश वोड्स फॉर मी कैनवस ये तो कैनवस पेंटिंग वाला हो गया ये तो नहीं होगा सेट फ्री इट इज कैनवस डबल एस वाला इसका मतलब क्या होता है इट इट इज लाइक समथिंग आप चाहते हैं कि आपका वोट एज अ लीगल उसमें काउंट हो जाए तो वहां कैनवस सो कैनवस वोट्स का मतलब होता है काउंट करना कि मेरा वोट भी लीगल मान्य समान किया जाए राइट सो आंसर इज फोर नेक्स्ट द वर्ड इज डेक्सट्रस डेक्सट्रस का आपको सिनोनिम बताना है डेक्सट्रेस का सना होगा वन इज वेरी प्रोफिशिएंट विद हैंड वर्क कोई काम करने में बहुत ज्यादा माहिर है स्पेशली हाथ से रिलेटेड जैसे पेंटर कारपेंटर होते हैं ना प्लम्बर सो आंसर इज प्रोफिशियंट नेक्स्ट डैश लुक्स आफ्टर आर हॉर्सेस अ ग्रूम लुक्स आफ्टर आर हॉर्सेस ग्रूम इज वन दैट पर्सन जो हॉर्सेज की देखभाल करता है प्लस धूला तो होता ही है ग्रूम सो आंसर इज ए इट शुड बी ग्रूम नेक्स्ट वॉट वी हैव ओवर है ऑप्शन दैट करेक्टली रिवॉर्ड गिवन सेंटेंस यानी कि रीवर्ड यानी कि वो डायरेक्टली सेम मीनिंग निकालता है गिवन सेंटेंस का ना आपको पहला क्या देखा ही वॉज एबल टू सोल्व एनी प्रॉब्लम मतलब वो काफी इंटेलिजेंट था कि वो कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए उसको सोल्व कर लेता था सो ही रिजॉल्व अभी सोल्व थोड़ा की थी वो तो एबल था सोल्व फिर फिर सोल्व की नहीं जब उसने ही कुड सॉल्व एनी प्रॉब्लम हाँ फिर सॉल्यूशन नहीं दिया था भाई अभी तो आंसर क्या आया सी यानी ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट फ्लोरा वाज डिप्राइव्ड ऑफ फूड बाय हर डिप्राइव के साथ ओ एफ वाला ऑफ लगता है डिप्राइव्ड ऑफ नॉट ओ डबल एफ डिप्राइव्ड ऑफ वो चीज से वो अनछूती रह गई थी उसको नहीं मिली थी यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिवर्ड द गिवन सेंटेंस फिर से इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू अर्न इज ओन लिविंग उसके लिए जरूरी नहीं है कि अपना खर्चा उसको अर्न करना पड़ेगा यानी वी कैन से इज फ्रॉम अ गुड फैमिली है ना उसको खर्चा अपना अर्न करने की जरूरत नहीं उसको मिलता है घर से मतलब या उसको कमी नहीं है किसी चीज की कुड नॉट अर्न हम उसकी एबिलिटी पे शक नहीं कर सकते तो कुड नॉट तो काट दो आपको नहीं पता ना वो पर्सन कैसा है आप तो बोल रहे हो वो अर्न ही नहीं कर सकता दैट इज रॉन्ग तो बच्चा क्या ही नीड नॉट अर्न इज लिविंग ही नीड नॉट अर्न इज ओन लिविंग सर ही नीड नॉट अर्न हिज ओन लिविंग नेक्स्ट अनटेनेबल अनटेनेबल का आपको सिननिम बताना अनटेनेबल का मतलब होता है रिफ्यूटेबल जिसको मना कर सके समथिंग दैट कैन नॉट बी है ना जैसे हम बोलते हैं ना भाई ये चीज तो अनडिफेंडेबल है इसको डिफेंड नहीं कर सकते आप दैट बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस हु स्टोल द बुक ये बुक किसने चुराई थी अभी हु का लग जाएगा बाय हुम चारों में ठीक है वर तो लगेगा नहीं बुक के लिए तो वॉज द बुक स्टोलन ऑप्शन इज टू स्टोल नहीं तभी गलत किया शुड बी स्टोलन फिलिंग द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अगैन द ऑप्शन से इज टीचिंग इज एन डैश प्रोफेशन ऑनर ऑनरेबल इट इज ऑनरेबल यहां प्रोफेशन नाउन एक्ट कर करा तो ऑनरेबल क्या बन जाएगा जेक्टिव नेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट डैश द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड सेट असाइड का मतलब होता है डिसूव कर देना कोई लीगल टर्म को अगर आप डिसूव या अनफॉलो करना चाहें दैट इज कॉल्ड सेट असाइड द आंसर इज ऑप्शन ए पीपल हुईट डैश मच डैश अर्ली टू मच आना चाहिए ये टू पर डाइड नहीं टू मच डाय अर्ली क्योंकि ईट लगा रहा है वो ईट नहीं लगा रहा जिन्होंने खाया था वो मरे थे ना तो यहां पर भी प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट चलेगा आंसर इज ही इन डैश आफ्टर अचीविंग सक्सेस इन दी एग्जामिनेशन मोस्ट एप्रोप्रिएट इडीएम लगाना मुहावरा सो ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स तो पहला ही ऑप्शन हो गया हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है काफी इलेटेड मोड में था नेक्स्ट प्लीज आ डैश शुगर टू माई कप ऑफ कॉफी लेस लगाएंगे तो आगे दैन चाहिए जो कि है नहीं लिटल मतलब ना के बराबर ये पॉसिबल नहीं है इट शुड बी अ अलिटल कुछ लीस्ट के साथ आपको आर्टिकल द चाहिए बिकॉज इट एक्ट्स सुपरलेटिव डिग्री सो आंसर क्या आएगा थ्री नेक्स्ट चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस ये जो बुलेट्स लगे हैं इसको इग्नोर करें ये वन है ये टू है ये थ्री है और ये फोर है सो एज सीजर लव्ड मी सीजर के बाद कॉमा क्यों लगाया भाई ये तो सब्जेक्ट है ये वर्ब है नो कॉमस अलाउड एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम नो फिर से ये फिर से ये यानी कि ये ब्रेक लगा रहा है तो आप कॉलम्स नहीं लगा सकते ऐसा एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम ओके As he was fortunate, I rejoiced at it. Okay, first break. As he was valiant, I honor him. Okay. This is confuse This As Caesar loved me, okay, comma. I weep for him, good. As he was fortunate, comma. I rejoice at it, first break. As he was valiant, yes, I honor him. This one is the correct form. So we will go by option number four. Ha, yes. So, I hope you got it. All the best to you, right? Thank you. Enjoy.